हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स जीएसटी के अंदर क्या है, रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 24 जो कि बोलता है कि अगर आप रिवर्स चार्ज में डील करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लग जाता है वो क्या है, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको फॉलो करना पड़ता है जब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, ये सारे बातों का आपको मैं डिटेल में चीज़ बताने वाला हूँ। कितने टाइप के गुड्स है उसके बारे में भी आपको डिस्कशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। हम लोग तीन सेक्शन से गो थ्रू हो गए। कौन से? एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 98, सेकेंड सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, थर्ड सेक्शन 24। सेक्शन 9 सबसे पहले देखेंगे। 9 क्या बोलता है? 93 एंड 94 इसमें गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे बोलेगा कि इस पे रिसिपिएंट टैक्स भरने वाला है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होने वाला है। 93 एंड 94 ये सेक्शन बोलते हैं। और सेक्शन 24 क्या बोलता है? सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आप पे RCM अप्लीकेबल हो चुका है तो आपको कंपलसरी GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेक्शन 22 जो है, जो GST में रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स बताता है, सेक्शन 24 उसका ओवरराइड करता है क्योंकि वहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग से लाइन शुरू हुई है सेक्शन 24 में। हम लोग ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे RCM अप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल 8 टाइप के गुड्स है जिस पे RCM लग जाता है। तो शुरू करते हैं पहले गुड्स से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सेम लाइन पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबिलिटी लाते हैं। कैसे? इसमें लिखा है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन परचेस फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, ये तीन प्रोडक्ट कौन से? कैशू नट्स, BD रैपर और टोबैको लीव्स। ये तीन प्रोडक्ट अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट से परचेस करते हो और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप पे RCM की लाइबिलिटी आ जाती है। सो नेक्स्ट गुड्स, सिल्क यार्न। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप ऐसे पर्सन से परचेस कर रहे हो जो उसे मैन्युफैक्चर करता है तो आप पे रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कोई गुड्स जो गवर्नमेंट ने सीज किया है, कोई यूज व्हीकल, स्क्रैप्स, ये सब आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनसे परचेस करते हो तो आप पे रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी जो इफेक्टिव डेट है इस पे थोड़ा ध्यान से नज़र दीजिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट तो RCM आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप कोई एग्रीकल्चरिस्ट से रॉ कॉटन परचेस करते हो और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप पे RCM की लाइबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट और कोई यूनियन टेरिटरी लॉटरी सेल कर रही है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप पे रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ जाएगी। ऐसे 8 गुड्स है जहाँ पे रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ जाएगी। क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ सकते हैं जो कि टैक्स RCM में भरता है? पहला कंप्लायंस, सेक्शन 31 के हिसाब से उसको एक इनवॉइस इशू करना पड़ता है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली उसे लिखना पड़ता है कि उसने ये रिवर्स चार्ज में पे किया है, ये रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है। उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, आपको अगर RCM के थ्रू पेमेंट करना है तो आपके क्रेडिट लेजर का जो ITC है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है। और जो भी आप टैक्स पेमेंट करते हो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका अवेलेबल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, आपको GSTR 1 में उसकी डिटेल्स देना पड़ता है। तो ऐसे RCM से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए।